पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री चौधरी खुर्शीद अहमद को खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे राजनीतिक दिग्गज एवं अपार जनसमूह। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चौधरी खुर्शीद अहमद पहली बार 1962 में विधायक बने थे। उस समय मेरी उम्र महज 14 साल थी। जवानी व उम्र दराज होने के बावजूद भी उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला। चौधरी खुर्शीद अहमद मंत्री रहे, सांसद रहे, उन्होंने हमेशा इस इलाके की शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि वे उनके पिताजी स्वर्गीय रणवीर सिंह हुड्डा के साथ भी विधायक रहे। उस समय मेरे पिताजी सिंचाई मंत्री थे। चौधरी खुर्शीद अहमद हमेशा मेरे पिताजी से मिलते थे। उन्होंने कहा कि जो आज मेवात इलाके में तरक्की है, उसमें चौधरी खुर्शीद अहमद एवं उनके पुत्र विधायक आफताब अहमद का अहम रोल है। जिले को विश्वविद्यालय की सौगात पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर इस इलाके को प्यार विधायकों पर ऐसे ही बना रहा तो एक नहीं दो दो विश्वविद्यालय आने वाले समय पर यहाँ होंगे। किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया है, सरकार को वार्तालाप करके इसका समाधान निकालना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई है, उसके बारे में सवाल पूछे जाने पर वह पूरी तरह से चुप्पी साधते नजर आए। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी ताज़ा खबरें। की पहली बरसी है, आपके साथ वो विधायक रहे हैं, बेटे आपके साथ विधायक हैं, किस तरह याद करेंगे? देखिए, वो विधायक रहे चौधरी खुर्शीद अहमद की पहली पुण्यतिथि है, और जब वो पहली बार विधायक बने 1968 में, तो जब तो मैं बहुत कम उम्र थी, 1962 में बने, मैं तो 12-13-14 साल का होगा। जब से मैंने देखा उनको पूरी जवानी में भी, और जब बुजुर्ग हो गए थे, जब भी उनका आशीर्वाद मेरे को मिला, चाहे वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, उनका एक ही बात रहा कि इस इलाके की तरक्की हो, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़कें हो, और पूरे हरियाणा की और प्रदेश की तरक्की करी, लेकिन इस इलाके में खास तौर पर उनका। और सदैव जब भी वो मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे, जब वो सिंचाई मंत्री थे, और बाद में जब भी मैं मिला उनसे मुख्यमंत्री के रूप में, यही रहा कि एक इस इलाके की तरक्की हो। जो आज इस इलाके में तरक्की है, उसमें मुख्य हाथ उनका रहा। वो विधायकों को काम है, भाई ये विधायक जो हैं, इनके आशीर्वाद रहे हैं, तो इतने मजबूत विधायक हैं, आफताब हैं, वो हमारे इंजीनियर साहब हैं, मोहम्मद इलियास है, एक या दो बनवा देंगे। किसानों का जो लगातार आंदोलन सुनना चाहिए सरकार को, बहुत लंबा हो गया, सरकार की बात माननी चाहिए, वार्तालाप करके इसका समाधान निकालना चाहिए तुरंत।